एवरीवन, सो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लैम्ब, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसका पूरा कट्स मैंने जो बना रखा है अलग से, थोड़ा सा पास ले आता हूँ। कैन सी द हेड, नेक, शोल्डर, रिब्स, लॉयन, शलॉयन, लेग, हिंड शैंक, फ्लैंक, ब्रेस्ट, फॉर शैंक, ये फ्रंट वाला जो होता है एरिया फॉर शैंक होता है, जिस प्रकार का ये है उस प्रकार का यहाँ पे होता है, ठीक है। ईच लेग का फॉर शैंक बोलते हैं हम लोग। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लैम्ब, आज मैं सिर्फ इसका कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को टिल एंड। इसके कुछ इंटरनेशनल कट्स होते हैं, जैसे कि ईच कंट्री क्लासिफाइज द मीट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उनके कट्स भी अलग अलग होते हैं, सो दे हैव इंग्लिश कट्स, फ्रेंच कट्स, अमेरिकन कट्स, ऑस्ट्रेलियन कट्स, ये भी बताऊंगा। इसमें से वैसे फ्रेंच कट ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं रादर देन अदर थिंग, ठीक है। अब जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है कि लैम्ब्स कट से पहले हम लोग इसे पढ़े, जैसे हमें ये क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि ये है रैम, हगेट, ईव, तो ये क्या होता है, ये आई थिंक सो पहले बार बहुत लोग सुन रहे होंगे कि यार ये क्या होता है, ठीक है। सो ये क्या होता है, मेल लैम अंडर वन ईयर इज कॉल्ड रैम और हगेट, ठीक है। रैम और हगेट, एक साल का कोई भी एक मेल लैम होगा उसे हम हगेट या रैम बोलते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन इज द फीमेल लैम अंडर वन ईयर इज कॉल्ड एक्चुअली ईव, ये मैं साथ दो बार लिख दिया मैंने। तो फीमेल लैम जो होता है वो एक साल के अंदर जो होते हैं उनको बोलते हैं ईव, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है, इसको याद रखना। विद, सो विद हम किसको बोलते हैं, कैस्टर्ड मेल लैम इज कॉल्ड विद, ठीक है। कैस्टराइजेशन इज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ द डिसकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्टिस और द टेस्टिकल एंड इज कैरी आउट इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोडक्शन, ठीक है। जो भी मेल लैम होता है उसका हम लोग टेस्टिकल्स या टेस्टिस रिमूव इट, ठीक है, जस्ट टू कैरी आउट इन ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोडक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं विदा, ठीक है। और इसको हिंदी में जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं खांसी, खांसी हम बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मली गोट शॉप जाते हैं हम लोग, लैम शॉप जाते हैं लेने के लिए मटन वगैरह, तो वी से लाइक यार खांसी दे दो हमें। तो ये जो खांसी आपको देगा वो एक साल से कम रहेगा उसका, ठीक है, मेल लैम खासी बोलते हैं उसका, जिसका रिमूव्ड ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। देन वी हैव अ किड लैम्प, ठीक है, मेल और फीमेल ऑफ अ शिप दैट इज 30 या 60 डेज ओल्ड, उसके लोग बोलते हैं किड लैम्प, ठीक है। फ्रांस में इसे रेफर की जाती है एंग्लेट, ठीक है। सो ये था आपका 1, 2, 3, देन आई विल शो यू सम ऑफ यू, हियर वी गो, इट्स ऑल अबाउट स्प्रिंग एंड ईयरलिंग, ठीक है। In the UK or in the US, the lamb between 2 to 6 months called spring or yearling. ठीक है, yearling, spring. ठीक है, ये होता है हमारा spring or yearling बोलते हैं इसको US और UK में. And comes to mutton. और mutton किसको बोलते हैं? Lamb above 12 months of age are called mutton. तो ये clear हो गया आपको? ये ध्यान से देखना आप, ठीक है? तो ये जो लैम का जो मैंने आज ये बनाया हुआ आपको ये बता रहा था मैं, ये जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक जो पार्ट है इसका उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए मैं आज इस क्लासिफिकेशन को एक में रोक रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ तक अभी आज पढ़ लेंगे तो कल जब मैं बताऊंगा आपको, कल जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ जो कट्स के ऊपर में, वो आपको हेल्प करेगा और अच्छे से समझने में, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो इसका रेडी कर चुका हूँ मैं, इसका कंटेंट वगैरह, इसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी होगी। सो सब तो रेडी है, बट इसको बताने के बाद अब एक बार इसको ध्यान में देख लीजिए, इसके बाद मैं डायरेक्टली डालूंगा कट्स ऑफ लैम, ठीक है। सो वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस एक्चुअली, रैम, हगेट, ईव क्या होता है, लैम किट को क्या बोलते हैं, कितने साल का होता है वो, कितने महीने का होता है, कितने डेज के होते हैं वो, एक एक चीज समझेंगे, डिटेल में समझेंगे तो यार मजा आएगा पढ़ने में अपने को भी, है ना, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, बताओ, सही है, फिर हर एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन क्लासिफिकेशन ऑफ लैम, यार इसको शेयर करो और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, एंड कैन जस्ट टेक्स्ट मी इफ यू फिगर आउट कि यार कुछ इस टॉपिक में बनाया जाए, उसमें बनाया जाए, वैसे मेरे पास काफी अच्छा टॉपिक है जो मैं बना रहा हूँ, आपको लगे जस्ट शेयर विद मी, आई विल डेफिनेट लुक फॉरवर्ड टू दैट and we'll make it, right? So till then, classmates of LAMP, I'll see you in the next video, right? Bye-bye.